हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरहर की दाल, जिसे तुअर दाल भी बोलते हैं। हमने एक कप दाल ले लिया है, उसे अच्छे से दो पानी से धो लिया है। अब इसे डालेंगे हम कुकर में। दो ग्लास पानी डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। कुकर का ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। जब तक सीटी आ रही है, हम अपने तड़के की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई हमने रख दी है, इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाला है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। घी हमारा गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग। इसे थोड़ा तड़कने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 लाल मिर्च साबुत, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 चम्मच इसे भी अच्छे से मिला लें और गोल्डन ब्राउन करें। 3 से 4 कड़ी पत्ते डालेंगे हम और 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। इसे भी अच्छे से मिला लें। प्याज हमारा लाल हो गया, अब इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे अच्छे से मिला लें। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। नमक ध्यान से डालें, ताकि हमने दाल में नमक डाला हुआ है, टमाटर हमारे गल जाए, इसके लिए हमने नमक डाला है। टमाटर हमारे गल गए हैं, अब इसमें डालेंगे हम हल्दी। हल्दी ध्यान से डालें, क्योंकि हमने दाल में भी हल्दी डाली है। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर कश्मीरी, इसे कलर के लिए है। इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें डालेंगे हम हमारे पके हुए दाल। दाल डालकर इसे अच्छे से मिला लें। और 2 से 3 उबाल आने दें। ऊपर से डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हमारी दाल बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।